आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट के बीच। तो ये फ्लटर का सीरीज चल रहा है, अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट के टोटल 5 डिफरेंसेस को देखेंगे। फर्स्ट डिफरेंस है, इफ ए विजिट डज नॉट डू एनीथिंग कॉल्ड स्टेटलेस विजिट एंड इफ ए विजिट डज एनीथिंग देन इट इज कॉल्ड स्टेटफुल विजिट। अब स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट का जो मेन डिफरेंस है, ये जो स्टेटलेस विजिट्स होते हैं इनका एप्लीकेशन के अदर विजिट्स के साथ या तो यूजर के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, यानी कि ये कोई भी तरह का टास्क वगैरह परफॉर्म नहीं करते एप्लीकेशन के अंदर, तो इसीलिए इनको स्टेटलेस विजिट कहा जाता है। और स्टेटफुल विजिट वो होते हैं जो कोई टास्क परफॉर्म करते हैं एप्लीकेशन में, यानी कि इंटरेक्शन करते हैं, उनको स्टेटफुल विजिट कहते हैं। जो सेकंड डिफरेंस है, स्टेटलेस विजिट स्टैटिक नेचर के होते हैं, यानी कि डेवलपर इनको जैसे डेवलप करके छोड़ देता है ये वैसे के वैसे ही होते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं होता। और जो स्टेटफुल विजिट होते हैं ये डायनेमिक नेचर के होते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमको जैसे जैसे एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस आते रहता है इसमें भी हमको यूज़र बाय यूज़र चेंजेस देखने को मिलता है। अब जो थर्ड डिफरेंस है, स्टेटलेस विजिट के साथ यूज़र का इंटरेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन स्टेटफुल विजिट्स के साथ यूज़र इंटरेक्शन बना रहता है एप्लीकेशन के यूजेस के दौरान। फोर्थ डिफरेंस है, स्टेटलेस विजिट्स के अंदर कोई भी तरह का रियल टाइम डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक स्टैटिक टाइप के होते हैं। और स्टेटफुल विजिट के अंदर हम डेटा यानी कि रियल टाइम डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे जैसे एक स्टेटफुल विजिट अपना टास्क परफॉर्म करता रहता है अकॉर्डिंगली वो डेटा भी अपने अंदर स्टोर करता है। अब जो फिफ्थ एंड फाइनल डिफरेंस है, तो अगर स्टेटलेस विजिट के एग्जाम्पल की बात करें तो ये है टेक्स्ट विजिट, आइकॉन्स एक्सेट्रा। और वहीं अगर स्टेटफुल विजिट के एग्जाम्पल को देखें तो वो है बटन, स्लाइडर, चेकबॉक्स, रेडियो, टेक्स्ट फील्ड एक्सेट्रा। तो ये थे 5 डिफरेंसेस स्टेटलेस विजिट और स्टेटफुल विजिट के बीच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।